विवान वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग तो सुबह के सवा नौ बज रहे हैं आज मैं ना सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी अपने घर का सारा काम करके तैयार होके नहा के मम्मी के घर आ गई थी फिर उसके बाद अपने भाई के साथ मार्केट चली गई थी आते ही कुछ सामान मेरे को बहुत ज़रूरी लेकर आना था हालांकि हमारे इधर की मार्केट जो है दस बजे के करीब खुलती है फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो हलवाई की दुकान होती है वो तो सुबह सुबह खुल जाती है क्योंकि नाश्ता वगैरह मिलता है ना जलेबी समोसे सब्जी कचौड़ी वगैरह लोग सुबह सुबह कई बार ले जाते हैं अपने घर के लिए तो मैंने मिठाई की दुकान तो खुली होगी चलो चलती हूँ मार्केट पहले हम लोग गए साकेत गोल मार्केट घूम के आए रोहताश वाले के यहाँ गए फिर उसके बाद सदर गए थे प्रेम स्वीट्स वालों के यहाँ पर फिर उसके बाद लाल कुर्ती से होते हुए हम अभी एक घंटे बाद घर पर आ गए हैं और मैं यहाँ पर क्रॉकरी का सामान निकाल रही हूँ जिसमें नाश्ता वगैरह सर्व होता है ना वो निकाल रही हूँ और दिया भी मेरे साथ लगी पड़ी है मैं उसे पूछने को भेजती हूँ नानी से कि जब नानी से पूछ के ये सामान कहाँ रखा है वो सामान कहाँ रखा है तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ ऐसे वाले बाउल रखे हैं वो निकाल लो तो इन सब से आपको पता चल गया होगा कि मेरे घर में आज कोई आने वाला है यस मेरे घर में कोई आने वाला है आज मैंने जैसे कि आपको बताया था दिया का कोई भी भाई नहीं है यस है ना बताया था ना मैंने आपको और मैं चाहती हूँ उसके कोई भाई हो और वो उसको राखी बांधे हालांकि वो अपने मामा को राखी बांधती है लेकिन फिर भी तो आज दिया का भाई आएगा दिया राखी बांधेगी राखी से एक दिन पहले ही आज मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि उसको एक भाई मिल जाएगा राखी भाई बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सोच के ही ना और दिया को पता है ये चीज़ रात से ही कि मैं राखी बांधूँगी राखी बांधूंगी वो बहुत ज़्यादा खुश है तो मैंने यहाँ पर ना ये नया सेट रखा हुआ था नमकीन वगैरह के लिए मुझे चाहिए था और फिर मैंने सोचा ये ग्लास भी निकाल लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक वाले वो वाले हैं किचन में, में मेरे रखे हुए हैं लेकिन उसमें जो है चाय ही ग्लास है तो ये छः का पूरा सेट है तो मैंने कहा ये वाला खोल लेती हूँ और नमकीन बिस्किट का तो निकाल ही लूँगी मम्मी ने बोला था कि ये ही निकाल लेना तो बस ये यहाँ पर मैं निकाल ही रही थी कि सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ गई फिर हम लोग बाहर चले गए थे तो इसमें जो है नमकीन बिस्किट रख ली जाएगी गिलास देखते हैं चाय बनाते हैं या कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं और जो भी आएगा मैं उनसे मिलवाऊंगी आप लोगों को ना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद मैं आ गई थी मार्केट को सब्जी वगैरह लेने के लिए और राखी लेने के लिए मैं मिठाई लेकर आ गई हूँ कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आ गई हूँ मतलब बच्चों के हिसाब से लेकिन मैं राखी लाना भूल गई थी तो मैं यहाँ पर राखी बच्चे के लिए लेने आई थी छोटा सा बेबी है ना दिया के जैसा ही है तो उसके लिए मैं राखी देख रही थी बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखी थी और मैं काफ़ी टाइम बाद कुछ इस तरीके से छोटी छोटी सी राखियाँ खरीद रही हूँ ये देखो कितनी सुंदर सुंदर है कुछ लाइटिंग वाली थी कुछ म्यूजिक वाली थी और कार्टून करेक्टर वाली भी थी तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे कौन सी पसंद आई देखो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है दूसरे हाथ में चाबी थी तो निकालने में मुझे दिक्कत हो रही थी तो ये एक स्पाइडर मैन वाली थी और स्पाइडर मैन वाली सेकंड भी थी ये भीम वाली थी शायद बेंटन वाली तो मुझे ना ये बहुत बड़ी लग रही थी बच्चे के हाथ के हिसाब से तो ये बहुत छोटी सी थी डोरेमोन कैरेक्टर की मैंने कहा यही वाली दे दो ये मुझे अच्छी लग रही है और यहाँ पर एक किट ली मैंने कहा ये बच्चों के हिसाब से स्टार्टिंग में बच्चे कलर वगैरह करते हैं ना उनको पसंद आएगी मुझे ऐसे ऐसे ही गिफ्ट ही पसंद आते हैं खिलौने तो दिया के पास बहुत है बहुत है लेकिन मेरे को लगता है वो खेलती कम है तोड़ जाती तोड़ देती है तो ये वाली चीज बच्चों को अच्छी लगेगी दिया के लिए नहीं ले रही मैं दिया के भाई के लिए ले रही हूँ मैं ये किट वगैरह ना यहाँ पर और भी ऑप्शन वगैरह थे मैं देख रही थी कि कुछ वैसा मिल जाए थोड़ा स्टेशनरी का क्योंकि इसमें कलर वगैरह आ रहे थे तो अब आपके देखती हूँ ये वाला पैक करवाती हूँ काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर लेकिन वो बड़ों के हिसाब से ही थी ये देखो मुझे लड़कों के गिफ्ट समझ में नहीं आते लड़कियों के तो बहुत मिल जाते हैं लड़कियों के समझ में नहीं आते तो मैंने कहा यही वाला आप पैक कर दो अच्छे से गिफ्ट रैप कर देना और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी आज मैं इतने दिन बाद छोटे बेबी के लिए शॉपिंग कर रही थी किसी ना अच्छा लग रहा था मेरे को मेरे को ना गिफ्ट लेने का देने का दोनों का ही बहुत शौक है सच्ची बता रही हूँ बहुत शौक है और आज तो मेरी दिया ने भी ना जिद नहीं करी कि उसको क्यों दे रहे हो मेरे को भी दो मुझे भी चाहिए बिल्कुल भी जिद नहीं करी तो मैं घर आ गई थी उसके बाद जो है खाने वगैरह की सारी तैयारी तो मम्मी ने कर ली थी मम्मी ने खाने में बनाई थी अरहर की दाल जीरा राइस और शाही पनीर साथ में रोटी थी सैलेड था और रायता बनाया था और रायता सर्व नहीं करा हम लोगों ने जब वो लोग चले गए ना उसके बाद ध्यान आया कि रायता भी बनाया था मम्मी ने ना तो ये देखो दिया की जो मौसी है वो आ गई है और दिया का भाई भी आ गया है जो कि पहले तो आने में आना कानी कर रहा था पहली बार मिल रहे हैं हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ये है प्रीति किट्टू की मम्मी है ना किट्टू की मम्मी है ये और वो किट्टू के पापा हैं मम्मी हैं और नहीं किट्टू के नहीं प्रीति के मम्मी पापा हैं और प्रीति का भाई है कज़न ब्रदर तो ये देखो बहुत ही प्यारी सी लड़की है ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मैंने पहली बार ही देखा था वैसे मैं देखती थी इनके चैनल पे देखती थी बट आज फर्स्ट टाइम जो है फेस टू फेस हम लोग पहली बार मिले थे और बहुत दूर से आए हैं ये राखी बंधवाने के लिए रुड़की से और आज मौसम इतना ख़राब था इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे तो यहाँ पर मैंने जो है नाश्ता निकाल के रख दिया है समोसे हरी चटनी के साथ और हरी चटनी नहीं मेथी वाली चटनी है ये और सॉट और ये रसगुल्ले ढोकला साथ में नमकीन है और बस यही सब था नाश्ते में क्योंकि ना बहुत रात को मुझे किटो की मम्मी ने बताया कि हम लोग आएंगे मैंने सोचा था राखी पे आएंगे तो ठीक रहेगा लेकिन रात को बताया कि हम कल ही आएंगे तो बस मेरे को टाइम नहीं मिला देखो रात तो रात ही हो गई थी लेटी हुई थी मैं और सुबह फिर इतना टाइम था नहीं मार्केट भी अच्छे से नहीं खुलती है तो यहाँ पर हम सब लोग नाश्ते के बाद बैठे हुए थे बातें बातें कर रहे थे क्योंकि मैं और प्रीति तो एक दूसरे को जानते थे बाकी फैमिली वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे थोड़ी जान पहचान निकलती है कुछ आस पास की जगह के बारे में बताते हैं पुरानी चीज़ें याद आती हैं तो वही सब बातें कर रहे थे मेरे पापा के बारे में बात हो रही थी दीपक के बारे में बात हो रही थी सब बातें हो रही थी अच्छा लग रहा था मतलब क्या होता है ना कि फैमिली जब मिलती है ना तो बातें बहुत सारी मिक्स हो जाती है मैच हो जाती है और वो ही अच्छा होता है गुल मिल जाते हैं तो यहाँ पर शेंकी नहीं था तो शेंकी भी आ गया बहुत देर से वेट कर रहा था ये फिर चला गया था और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश लग गई थी ना तो ये बाहर ही रह गया था ये देखो अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है और दिया और किट्टू जो है वहाँ पर टंकी के नीचे खेल रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था इन दोनों को ना और किट्टू तो शुरू में आ ही नहीं रहा था अंदर उसके बाद जो है ये खेलना स्टार्ट हो गया ना तो इसका जाने का भी मन नहीं कर रहा था और दिया का भी मन नहीं कर रहा था इसको भेजने का दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे बहुत जैसे बहुत पहले से सालों से एक दूसरे को जानते हुए ये दोनों तो यहाँ पे मैं आपको वेदर दिखा रही हूँ ये देखो कितना बेकार हो रखा है वेदर लेकिन हाँ ये है कि ठंडा ठंडा हो रखा है एसी की जरूरत नहीं है कूलर की जरूरत नहीं है और ये देखो प्रीति जा रही है उन दोनों बच्चों के पास अच्छा लग रहा था प्रीति मतलब नेचर बहुत अच्छा है एकदम मिक्स हो गई थी सिमट के नहीं बैठी हुई थी आ रही थी मेरे साथ लग गई थी किचन में और बस मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं करवाया कि पहली बार मिल रहे हैं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था मैं भी मतलब खुल गई थी एकदम से ना फ़ोन पे वैसे भी हम ना घंटों घंटों बातें कर लेते थे रात के टाइम पर ना कभी कभी ये देखो आराम से खेल रहे थे ये लोग बच्चे ना मजा आ रहा था और यहाँ पे आंटी भी बैठी हुई थी नीचे so, ना देखो आज हम लोगों से मिलने कौन आया है ये है किटो की मम्मी है ना किटो की मम्मी प्रीति नाम है और रुड़की से आई है हमसे मिलने के लिए मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि दिया का भाई आने वाला है तो दिया का भाई जो है आज आ गया और दिया भी अब राखी बांधा करेगी दिया मामा को बांधती थी लेकिन अब से जो अपने भाई को बांधा करेगी और दिया और गिट्टो बाहर घूम रहे हैं बाहर घूम रहे हैं और को भी कोई राखी नहीं बांधता था तो उसको भी बहन मिल गई है लो, मिल और दिया को भाई मिल गया है तो देखो आज एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है है ना कैसी लग रही है बताओ ये मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है प्यारी सी डॉल सी आपको कैसे लग, लग रहा है यहाँ के यहाँ आ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो आने से पहले तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि यार किसी के घर जाएंगे कैसे लोग होंगे वो और फिर मैं नहीं? तो सुबह से इंतज़ार कर रही थी इन्होंने बोल दिया मैं दस साढ़े दस तक पहुँच जाऊँगी मेरी आँख बहुत लेट खुली मतलब तो सवा सात बज रहे थे फिर मैं घर के सारे काम निपटा के यहाँ पर आई मम्मी को नहीं बताया था मैंने रात को क्योंकि रात को ही बताया था ना आपने मुझे तो मैं मम्मी को बता नहीं पाई थी तो फिर मैंने कहा जाती हूँ मम्मी के संग थोड़ी सी तैयारी वगैरह करवाती हूँ मम्मी को जो है बताती हूँ कि कोई आने वाला है बिया का भाई आने वाला है तो मम्मी फिर लग गई और आज दिक्कत क्या थी कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था लाइट नहीं पानी नहीं ऐसी होता है ये ऐसी होता है जब कोई आने, आने वाला होता है लाइट सबसे पहले जाती है अरे वॉइस थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना आवाज में खाना नहीं बनाना बना नहीं 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 बिल्कुल नहीं मैं बता नहीं क्यों बताओ खाना ना क्योंकि पापा को जल्दी निकलना है लंच टाइम तो हो रहा है लंच टाइम तो है बस ये ये लोग नाश्ता करते हैं तो चलो लंच तैयार है मम्मी आ गई कहने के लिए और हम पंखा बंद करके बैठे तो थे ताकि आपको वॉइस अच्छे से आए और मम्मी ने आगे पंखा चला दिया तो आगे वॉइस ओवर में सुन लेना हमारी बातें बातें है ना और आधी बातें किट्टो की वीडियो में कर लेंगे हम ठीक है सब लोगों ने जो है लंच कर लिया है और बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाया वो भी बहुत कहने के बाद मम्मी ने बोला ना कि मैंने रेडी किया हुआ है तब खा लिया उन्होंने वरना तो सबका पेट भरा हुआ था और यहाँ पर जो है शेंकी अभी अपना लंच कर ही रहा है और बातें बातें चल रही हैं अब आ गया है वो टाइम जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था दिया आज अपने भाई को राखी बांधेगी प्लेट लगा ली है मैंने रोली चावल और थोड़ा सा मीठा और राखी रखी है दिया वो पूछ रही थी मम्मा ये क्या है क्योंकि कार्टून वाली राखी उसने फर्स्ट टाइम देखी थी उसको लग रहा था ये कोई टॉय रखा हुआ है मामा को बांधती है तो बड़ों वाली ही बांधती है जो कि मैं अपनी राखी के साथ ही ले आती हूँ तो वो वाला सीन आपको कल देखने को मिलेगा जब दिया राखी बांधेगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो कल की वीडियो में दिखाती हूँ मैं दिया के भाई को बहुत अच्छे से और दिया बड़ी खुश थी राखी बांधते टाइम और थोड़ी सी बच्चों की जो शैतानियाँ होती है ना वो भी हो रही थी उस टाइम पर तो कल मिलती हूँ बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखना फैमिली का भी